Hello everyone. Today we will discuss about drift velocity and relaxation time. Let us suppose there is a metallic conductor. Now we can clearly see that in this metallic conductor, there are metallic conductors, so there are many electrons which will revolve randomly in any direction. आवारा हो चुके हैं ये, ऐसे ही घूम रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। जैसे ही यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिया, तो होगा क्या, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक तरीके से ये वो बच्चे हैं जो क्लास के बाहर घूमते रहते हैं। जैसे ही टीचर एंट्री करता है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये क्या होंगे, सारे सीधे हो जाएंगे और ये एक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे सारे, एक डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे। ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या था, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और जैसे ये अलाइन करते हैं, पहले क्या था, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे विद एनी वेलोसिटी, आफ्टर दिस दे एक्वायर अ वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। एंड द टाइम, अब ये होगा क्या, जैसे ये कंबाइंड हो रहे होंगे तो आपस में इनके बीच में कोलिजन्स होंगे, इलास्टिक कोलिजन्स हो सकते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं, लेकिन जो भी कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम। नाउ ये है क्या और ये क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन और करते हैं, इसका डेरिवेशन भी करते हैं। पहले डायग्राम बनाइए आप लोग। नाउ मूविंग ऑन, प्रीवियसली वी कैन सी दैट, लेट अस से दैट एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी इन सब इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस फॉर्म में आ रही है, यू वन वेक्टर प्लस यू टू वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन यू एन वेक्टर अपॉन एन। लेकिन मैंने क्या माना है इसको, ये आपका किसके इक्वल आ रही है, जीरो के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो के इक्वल ली है, ठीक है। क्योंकि कुछ की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव हो सकती है, कुछ की नेगेटिव, तो एक दूसरे को वो निगलेक्ट या फिर कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई थी उस समय इसकी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। नाउ मुझे मालूम है कि यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ई, ठीक है। तो एक फोर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर, क्लियर। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ई इंटू ई वेक्टर। नाउ मुझे क्या मालूम है, अगर मैं कह रहा हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम एंड एक्सेलरेशन इज ए, तो यहां से क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए जरा इनको इक्वेट करके, माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब मुझे मालूम है जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको भी मैं मान लेता हूं, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस अप टू टाउ एन अपॉन एन, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है यहां पर, वी डी। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ वी कितना हो चुका है आपका, वी डी, यू इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो यहां से वी डी, वी डी की एक वैल्यू निकल के आ रही है, देखिए आप, माइनस ई ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला रिलेटिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, क्लियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज एल अपॉन वी डी। टाइम पीरियड इज एल अपॉन वी डी, क्लियर। सेकेंडली वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्लियर। लेट अस सपोज लेट एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो कंडक्टर है अगर इसकी एरिया ए है और लेंथ एल है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ,
क्लियर। तो यहां पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए इंटू एल। ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू ए इंटू एल। नाउ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई, और यहाँ पे एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू कितना है आपका, एन ए एल इंटू ई अपॉन टी, टाइम इज एल अपॉन वी डी। तो यहां से क्या निकल के आता है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो आई विल बी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। नाउ देयर इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज नोन एज डिनोटेड बाय जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज करंट डेंसिटी। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट अगर मैं इस एरिया को यहां लेके आता हूं, तो आई अपॉन ए, नाउ ये किसके इक्वल हो गया, जे के, ये किसके इक्वल आ गया, एन ई वी डी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे मैं ड्राइव कर सकता हूँ। नाउ वी विल डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन ओम्स लॉ फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज ई ई टाउ अपॉन एम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। सो वी कैन पुट ई वी टाउ अपॉन एम एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ प्रीवियसली वी हैव सीन दैट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्लियर। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी डी फ्रॉम दिस इक्वेशन टू हेयर, सो वी विल गेट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इज ई वी टाउ अपॉन एम एल। अब इन सबको अलग करते हैं, देखते हैं क्या आता है, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम इंटू एल इंटू वी इज इक्वल्स टू आई, और वी कैन से दैट वी इज इक्वल्स टू आई इंटू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब ये सारी चीजें देखिए आपको कांस्टेंट लग रही है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, दैट इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर। सो वी कैन पुट अ कांस्टेंट नेम रेजिस्टेंस। सो क्लियरली आर इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, दिस इज रेजिस्टेंस। सो वी हैव ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। सेकेंडली यहां पर देखते हैं आर इज इक्वल्स टू क्या होता था, रो एल अपॉन ए। नाउ अगर मैं इसे कंपेयर करूं एल और ए को अलग करके, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है मुझे, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ग्रेट। वी हैव कम टू द पॉइंट विच वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मैंने बताया था रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ना ही एरिया पे करती है। तो इस वाले फॉर्मूले में देखिए, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है, नहीं। क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, नहीं। ये केवल किस पे डिपेंड कर रही है, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो वी हैव क्लियरली सी दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। क्लियर। Hope you like this video. This is for class 12th and some part is of 10th. So keep sharing, keep liking and keep subscribing. Stay at home. All the best for board examination. Take care. Bye.